कर्नाटक कांग्रेस ने अपनी पार्टी के एक दिग्गज विधायक रोशन बेग को पार्टी से निलंबित कर दिया है। हाल ही रोशन बेग ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर हमला किया था और अब उनका नाम पोंजी घोटाले में भी उछल गया है। कर्नाटक कांग्रेस के कद्दावर नेता और विधायक रोशन बेग को कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया गया है। लोकसभा 2019 चुनाव के नतीजे आने के बाद रोशन बेग ने पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल के खिलाफ अमर्यादित बयान दिया था। साथ ही पूर्व सीएम एस सिद्धरमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव पर भी हमला बोला था। रोशन बेग तभी से पार्टी के निशाने पर थे और अब उनका नाम आईएमए ज्वेल्स घोटाले में उछल गया है। फरार चल रहे आईएमए ज्वेल्स के संस्थापक मंसूर खान ने आरोप लगाया था कि रोशन बेग ने उनसे 400 करोड़ रुपए लिए, जिसे बाद में नहीं लौटाया। हालांकि बेग ने इन आरोपों को साजिश करार दिया था। इन दोनों मामलों के बाद कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस कार्रवाई से इस तरह कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीएम कुमारस्वामी ने भरी सभा में कहा कि गठबंधन सरकार में उन्हें जो तकलीफ हो रही है वो उसे बयान नहीं कर सकते। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से कुमारस्वामी के बयान पर सफाई मांगी गई तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब सीएम से ही लीजिए। will continue it will deliver whatever we have promised to the people of Karnataka it will continue but if Karnataka CM is claiming that sir is this something like that happening no nothing is happening sir in a rally he has also said that how much pain he is in and what exactly is the condition it going you, on so what does that mean so far as that question is concerned please ask him let him explain but as far as Congress is concerned we will cooperate Our cooperation will continue. This government will survive. There is no threat to this government. हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब सीएम एचडी कुमारस्वामी ने ऐसा बयान दिया है। वो पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कर उन्हें जहर का घूंट पीना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।